हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करें कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं राज दुनिया यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि आप लोग सिर्फ अपना फ़ोन से किस तरीके से सिर्फ 15 दिन में आप लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इन्हीं के बारे में यहाँ पर हम डिटेल में आप लोग को बताएँगे। तो आप लोग को वीडियो फुल देखना है फ्रेंड, तभी आप लोग समझिएगा। तो वीडियो फुल देखिए और कहीं भी स्किप मत कीजिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन है फ्रेंड। मैं एप्लीकेशन के बारे में पहले बात कर लेता हूँ। देखिए, ये एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर में आप लोग को मिल जाएगा, इस प्ले स्टोर में आप लोग को लिखना है डेली यूज इंग्लिश इन हिंदी। ये आप लोग को लिख करके यहाँ पर सर्च करने दें। चलिए मैं सर्च कर लेता हूँ। और सर्च करने के बाद ये जो आप लोग को सेकंड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इन एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से आप लोग डायरेक्ट इसको इंस्टॉल कर सकते हैं फ्रेंड। तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की और तो ये देखिए कुछ ऐसा जो कि एप्लीकेशन खोलने से, मैं चलिए एप्लीकेशन खोल लेता हूँ। एक और एप्लीकेशन खोलने से कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोग को सामने में आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा से यहाँ पे दिया गया फ्रेंड। देखिए खेल और सीखे, तो आप खेल करके यहाँ पे सीख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए पहला कदम, और यहाँ पे ट्रांसलेशन और बातचीत, रोजाना छोटे शब्द, रोजाना छोटे वाक, महत्वपूर्ण नाम और ड्रॉ यहाँ पर देख सकते हैं। मैं पहले पूरा के बारे में बात कर लेता हूँ। और एम का प्रयोग, शिष्टाचार के नियम, रोजाना वाक भाग 1, रोजाना इस तरह से भाग 5 तक यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देखिए मुहावरे और कहावतें, यहाँ पे ग्रामर और कहानी अंग्रेजी में, और कठिन शब्द का उच्चारण यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड। तो चलिए मैं फर्स्ट पर आप लोग को क्लिक करके दिखा देता हूँ, खेलो और सीखो पे। चलिए मैं खेलो और पे सीखो पे क्लिक कर दिया हूँ। थोड़ा लोड लेने में यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्यूज 1 को यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह चलिए क्यूज 1 पे मैं यहाँ पे आप लोग को क्लिक करके यहाँ से आप लोग को बता देता हूँ। चलिए मैंने क्लिक कर दिया हूँ और क्वेश्चन यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ पे देखिए लिख दिया है आई विल वर्क फ्रॉम टुमोरो। यहाँ पे देखिए आई विल वर्क फ्रॉम टुमोरो, ये इसका मतलब है मैं कल से काम करूँगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इस फर्स्ट वाले पे ऑप्शन पे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए जैसे क्लिक करूँगा तो ये ग्रीन रंग का हो जाएगा, यदि गलत रहेगा तो रेड रंग का हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए मैं कल से काम करूँगा तो देखिए ये ग्रीन हो गया। इसका मतलब मेरा जो ये वाक सही है, यही इंग्लिश में था, मैं इसको अपना टिक लगा करके मैं इसको अपना सही कर लिया हूँ। जैसे कि मैं देखिए इस पर आप लोगों को फिर से क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए नेक्स्ट करके देखिए आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, यहाँ पे देख सकते हैं आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, तो मैं जो कि मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, ये होगा सही आंसर। लेकिन मैं गलत पे आप लोग को क्लिक करके बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग जाने देखिए। तो ये देखिए गलत जब होता है तो रेड सही जहाँ हो जाता है, और यदि सही होता है तो यहाँ पे 22 क्वेश्चन दिया गया। तो इसी तरह से आप अपना टेस्ट क्यूज खेल सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा इसको बैक कर लेता हूँ और यहाँ देखिए पहला कदम पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। चलिए मैंने पहला कदम पर क्लिक किया और देखिए यहाँ हमने हिंदी अक्षरों को अंग्रेजी रूपांतर दिया है, जिसमें से उन लोगों को मदद करना चाहते हैं जिनको अंग्रेजी सीखना है पढ़ना कठिन लगता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। यह टेबल की मदद से अंग्रेजी लिखना और पढ़ना आसान हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ टेबल दिया जो है, पहला कदम का ये टेबल दिया गया है। इस बच्चों को अपने आप बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, तो इसलिए मैं इसका जो कि आप यहाँ पर देखिए ट्रांसलेशन का कुछ यहाँ पर दिया गया है, देखिए ट्रांसलेशन। तो चलिए मैं इस पर आप लोग को ट्रांसलेशन पे क्लिक करके बता देता हूँ। तो आप लोग को कुछ हिंदी या इंग्लिश में लिखना है, वो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे जो कि जैसे कि आप हिंदी में लिखेंगे तो यहाँ पे आप लोग सब्जेक्ट चूज करके अपना देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे हिंदी में लिख ले, जैसे कि इंग्लिश में मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ राम इट्स मैंगो। राम इट्स मैंगोज मैं यहाँ पे देखिए इसको मैं हिंदी कर लेता हूँ और गो पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए तो इस यहाँ पे देखिए राम खाती है, हम यहाँ पे कुछ आ गए हैं। तो आप लोग इसी तरह से अपना
दे करके अपना जो कि ट्रांसलेशन यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से अपना वॉइस भी यहाँ से अपना जो कि सुन सकते हैं इस पर क्लिक करके जो कि, और यहाँ से बोल करके भी यहाँ पे अपना लिख सकते हैं जो लिखना होगा। तो चलिए इसको भी भाई मैं बैक कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखिए कुछ बातचीत कहाँ का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता होगा। तो चलिए मैं बातचीत पे क्लिक करता हूँ। फ्रेंड आप लोग वीडियो को फुल देखिए, आप लोग तभी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। देखिए जैसे कि बातचीत में साधारण बातचीत होता है, और होटल में रेस्टोरेंट में रास्ता पूछना, डॉक्टर से बातचीत, एटीएम ढूंढना, मिलने के लिए समय, मौसम की बातचीत, जुकाम हुआ, रिक्शा करना और जाके। तो आप लोग इसी तरह से अपना जो कि बहुत सारे बातचीत हैं यहाँ पे, और देख सकते हैं यहाँ में फर्स्ट में बैंक में दिया गया है। तो आप लोग इसी तरह के से यहाँ पर आप देख सकते हैं। और देखिए रोजाना छोटे शब्द का प्रयोग जो कि होता है इन देखिए, तो इस पर मैं क्लिक करके आप लोग को बता ही देता हूँ। देखिए इसकी बहुत अच्छा प्रभावशाली, तो अबे सोम, अति सुंदर, ब्यूटीफुल, सावधान, बीबेयर, ईश्वर कृपया से, तो भाई गुड। तो आप इसी तरह से अपना देख सकते हैं। मैं उस ऐप का खुद यूज करके जो कि इंग्लिश में थोड़ा अपना पढ़ रहा हूँ, नहीं तो पहले मुझे इंग्लिश नहीं आता था, मैं इसी ऐप के सहायता से इंग्लिश मुझे अब कुछ आने लगा है फ्रेंड। तो आप लोग भी इस का यूज करिए, ताकि आप लोग भी अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं। तो आप लोग यूज करिए, और कोई भी प्रॉब्लम होता है यूज करने में तो मेरे वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी को दबा करके ऑल कर लीजिए, और एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय।